Hello friends, today I'll be sharing with you how to make a tasty yet simple dish using poppy seeds and sponge gourds. So poppy seeds, जिसे हम खसखस कहते हैं हिंदी में, and in my mother tongue Odia, it is known as pusto. Sponge gourds, which is known as tori or torai in Hindi and johnny in Odia. So this dish hardly takes 10 minutes to prepare, but it is extremely yummy. तो चलिए इसे बनाते हैं और as usual कुछ thoughts शेयर करते हैं. लेकिन friends, एक शिकायत है आप लोगों से. आप लोग subscribe ही नहीं करते हो. Only 11 subscribers. Really? इसका मतलब है कि आप लोग You don't listen to me carefully in my last video. लेकिन ये आपका कसूर नहीं है. आपको पता है, most people are poor listeners. अब आप ये सोच रहे होगे, ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, है ना? As an educator, I have always come across this confusion between hearing and listening. अब hearing का मतलब क्या है? To have the ability to sense sounds through our ears. Lekin listening kya hai? To listen is to give wholehearted attention to one particular sound. And we choose that sound from the various other sounds that we hear around us. Wo hamari choice hai. हमें एक अच्छा गाना सुनना है, हमें म्यूज़िक सुनना है, हमें कोई टीवी प्रोग्राम वॉच करना है या किसी की बात सुनना है. तो अगर हम सिर्फ उसी साउंड पे फोकस करते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग. और बिलीव मी, एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद अ गुड लिसनर. लिसनर्स जो होते हैं ना, गुड लिसनर्स, They are assets, they are healers. उनसे हम अपनी बात जब शेयर करते हैं तो हम हील्ड हो जाते हैं, हम बेटर फील करते हैं. और वो जो गुड लिसनर्स होते हैं, वो हमें समझने के लिए सुनते हैं, एंड दे नेवर जज अस. तो फ्रेंड्स, बी अ गुड लिसनर. बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लिसनर्स बहुत कम हैं. तो टू बी अ गुड लिसनर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? एंड बिफोर यू गो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़. ओके, सी यू टुमारो अगेन विद अनदर वीडियो. बाय.